प्रशासन आपका सुरक्षा कर रहा है। आप लोगों को भी चाहिए कि भीड़ ना बनाए, दूरी बनाए रखे, जिससे कोरोना हार जाए। भीड़ मत बनाइए, कम से कम धूप में रहिए, आप लोग धूप में रहिए, भीड़ मत बनाइए। देखिए, ये हमारा पटना जंक्शन है। शायद पटना जंक्शन अपने भीड़ भाड़ के लिए भी बहुत ज्यादा जाना जाता था। बिहार की राजधानी पटना है और खासकर इस जंक्शन पर हमेशा इस जगह पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर करीब 1000-2000 जनसंख्या रही रहती थी। लेकिन जिस तरीके की कोरोना वायरस का डर समाया है, आप देख रहे हैं कैमरा के नजरिए से कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया पर अपना आतंक जमाए बैठा है, जिससे लोग घबराए हैं, चूंकि अभी तक उसका एंटीडॉट्स नहीं मिला है, जिसके वजह से गंभीर सूचना है। गंभीर रूप से सारे लोग के अंदर ये सोच पैदा हो चुकी है कि अब आखिर होगा क्या। जिस तरीके से हर सरकार ने कहीं लॉकडाउन कर रहे हैं, कभी कभी आज मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया है, हम लोग को चाहिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। खासकर पटना जंक्शन आप देख रहे हैं कि कोरोना के लिए भी एक बूथ लगाया गया है, जहाँ यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है। आइए जानते हैं उनसे, करते हैं। इससे कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि कोरोना हुआ है या नहीं? तो जो 100 से ऊपर टेम्परेचर है उसको हम लोग खुद एडवाइज कर रहे हैं कि आप अपना प्रिवेंटिव करिए और अपना हॉस्पिटल जाइए। जितने भी यात्री आज महाराष्ट्र से आए हैं, सब क्या सबका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है? हो गया है, 97 डिग्री। देख रहे हैं आप किस तरीके के यहाँ पे लोग अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करा रहे हैं। जिस तरीके से मैडम ने बताया कि जिसका टेम्परेचर अगर 100 के ऊपर है, यानी वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, उससे कम का वो फाइनल है कि वो सुरक्षित है। आइए और भी जानते हैं लोगों से किस तरीके से पटना जंक्शन का हाल है। प्रशासन लगी हुई है, कोरोना के लिए डॉक्टर आए हुए हैं, सारे पब्लिक को, सारे पैसेंजर को यह सुविधा दी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हम बिहार से हैं और बिहार में कोरोना वायरस शायद नहीं आ पाएगी अगर इस तरीके की सुरक्षा हम बरतने को तैयार होंगे तब। और भी सारी बातें, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय।